दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रियलमी XT 730G जो कि सितंबर में चाइना में लॉन्च हुआ था और लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा इंडिया में, लेकिन बाद में ना करते करते माधव सेठ ने कह दिया कि दिसंबर में लॉन्च होगा, तो लोग दिसंबर का वेट करने लगे। लेकिन नवंबर में उससे पहले ही रियलमी XT प्रो उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया। तो रियलमी XT 730G जो है दोस्तों उसका भी लॉन्च डेट आ गया है और दो हो सकता है और चीज़ें, एक तो कन्फर्म है, दूसरी एक और चीज़ हो सकती है, अब पता नहीं क्या है वो, उसके बारे में बताऊंगा, कोशिश करूंगा क्या है वो बताने के लिए कि क्या आने वाला है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं 730G के साथ और क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। प्राइस भी आ गया है, लीक्स आए हुए हैं, ऑफिशियल नहीं है लेकिन लीक्स आया 730G का प्राइस, वो भी बताने वाला हूं कि इस प्राइस पे आ सकता है, कुछ लीक्स आए हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या वो सारी चीजें हैं। पसंद आता है कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे मैंने कहा सितंबर में लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे क्योंकि रियलमी XT ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका था, 730G वहां पे लॉन्च हुआ, तो सेम ऑलमोस्ट फोन है, कुछ तीन चार चीजें डिफरेंस है। पूरी चीजें मैं आपको बताऊं तो इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। वाटर ड्रॉप नॉच है आपको नियर अबाउट 85% 86% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। 1080x2340 का रिजोल्यूशन है एंड बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, डिस्प्ले बहुत अच्छा दिखता है, सारी चीजें अच्छी हैं। रियर साइड पे क्वाड कैमराज हैं, जैसे मैंने कहा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर से आपको मालूम है मैक्रो और डेप्थ सेंसर। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आता है स्नैपड्रैगन का 730G वाला चिपसेट, अच्छी चीज़ है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, जैसे 730 है वैसे ये भी है, ऑक्टाकोर है, 8nm बेस्ड है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, जिसमें से दो कोर जो है दोस्तों 2.2 GHz पर क्लॉक्ड है, बाकी 6 कोर 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है। क्रायो 470 वाले कोर्स हैं, एड्रीनो 618 के साथ आता है, गेमिंग ग्राफिक्स मक्खन की तरह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देन उसके साथ साथ 4000mAh की बैटरी आने वाली है जो कि आपको 30W के वूक चार्ज 4.2 के साथ आएगा, जो कि कहते हैं नियर अबाउट 1 घंटे में आपकी बैटरी को फुल चार्ज शायद कर दे, चलो अच्छी चीज़ है जो भी है। डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आता है जिसको आप 256GB तक एक्सपांड कर सकते हो, यानी 2 SIM कार्ड एक SD कार्ड भी लगा सकते हो, और स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सब कुछ मिल जाएगा, तो स्पेसिफिकेशन तो अच्छे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों इसका जो लॉन्च डेट है इंडिया में वो 17 दिसंबर को आया हुआ है, 17 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। प्राइस की बात करें जो लीक आ रही है, कहा जा रहा है इसमें एक वेरियंट आएगा 4GB 64GB वाला, 4GB 64GB, जो कि 15,000 से 17,000 के बीच में लॉन्च होगा, जो मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि 730G चिपसेट के साथ सिर्फ 15,000 से 17,000 में लॉन्च करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आ गया उस प्राइस में तो बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी चीज़ होगी। अगर 15,000 से 17,000 के बीच में लॉन्च करते हैं ये K30 को, जो रेडमी का K30 आने वाला है, दोनों एक दूसरे को कम्पीट करेंगे इंडिया में, देखेंगे इस प्राइस पे लेकर आते हैं जो भी चीज़ है, जैसे ही आएगा मैं आपको उसको बता दूंगा दोस्तों। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली एयरपॉड्स, रियलमी के एयरपॉड्स आने वाले हैं 17 को ही, किस प्राइस में आएगा, क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर आप इनवाइट देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको ये भी आने वाला है, दोनों चीज़ों को टीज किया हुआ है, एयरपॉड्स को भी एंड 730G को भी, XT 730G। एंड 3 इमेजेस आए ट्विटर पे अगर आप देखोगे तो, पहला तो उनके खुद के CEO जो हैं माधव सेठ, उन्होंने येलो कलर का जो एयरपॉड्स है उसको लगाया हुआ है, तो 3 कलर्स अलग अलग बता रहे हैं। दूसरा एक यूट्यूबर थे जो कि बाद में रियलमी ज्वाइन कर लिया उन्होंने, श्रीहरी, उन्होंने भी एक वाइट कलर वाला वेरियंट है, कलर है वो उन्होंने अपने कानों में लगाया हुआ है। तीसरा फ्रांसिस वांग है, वो चाइना के CMO है रियलमी के, उन्होंने ब्लैक कलर वाला जो एयरपॉड्स हैं वो लगाए हुए हैं, तो इससे पता चल रहा है कि 3 कलर्स इसमें आने वाले हैं। प्राइसिंग क्या होगी, क्योंकि पहले किसी कंट्री में लीक आया था कि ये 4.5 से 6.5 हज़ार के बीच आ सकता है, अगर इतने में आया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छे हैं, देखते हैं जिस प्राइस में लेकर आते हैं। तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो कोई ये फ़ोन हो सकता है लोग कह रहे हैं, अब कौन सा फ़ोन होगा नहीं पता, लेकिन लोग कह रहे हैं कोई एक और स्मार्टफोन शायद। अगर आपको रियलमी XT प्रो का इवेंट याद हो, उसमें बताया गया था वन मोर थिंग, बताया जा रहा कोई स्मार्टफोन होगा, आप जो स्मार्टफोन होगा उसके बारे में जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दो चीज़ें कंफर्म है कि आपको इसमें रियलमी XT 730G के साथ साथ आपको रियलमी के एयरपॉड्स भी मिलने वाले हैं दोस्तों। तो वेट कर रहे हो रियलमी XT 730G का, एयरपॉड्स का वेट कर रहे हो रियलमी के, जो कि ऑब्वियसली एप्पल के एयरपॉड्स जैसे ही दिखते हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे स्मार्टफोन, कैसे लगे एयरपॉड्स, ज़रूर बताइए।
पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि पसंद आए, और भी बहुत सारे वीडियोज उन्हें चेक कर सकते हो। वेट कर रहे हो या नहीं कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आप इसको लेने वाले हो। अगर लोगे, अगर 4GB 64GB अगर 15,000 के नीचे आता है, 15,000 से 17,000 के अंडर आता है, तो ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में लिख के, और सपोर्ट भी कर सकते हो। साइड में देखो बैठने में क्लिक करके सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब करके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।